हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। एंड ये व्लॉग होगा मुझ पे और मेरे मॉर्निंग रूटीन पे। सो टाइम स्टार्ट होता है उठने का। मैं जनरली 5:15 या सुबह 5:30 बजे तक जाग जाती हूँ 110%। और सुबह जागते ही सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ वो होता है ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना भगवान को कि उन्होंने हमें ज़िंदा रखा है अभी तक और हम किसी ना किसी तरह से अपने अपना काम कर रहे हैं और किसी ना किसी के काम आ रहे हैं। और भी बहुत सारे थैंक्स करती हूँ मैं भगवान को फॉर एवरीथिंग जो ज़िंदगी में मिला और जो नहीं भी मिला सबके लिए। सो ग्रैटिट्यूड सेशन करीबन 5 मिनट का होता है, उसके बाद थोड़ा सा बॉडी का स्ट्रेच आउट करती हूँ फॉर 10 मिनट्स बेड के ऊपर ही। थोड़ा बैक पेन रहता है हमेशा ही, लेग्स पेन होता है बिकॉज वर्कआउट इतना हैवी होता है रात में, तो थोड़ा थोड़ा पेन रहता है बॉडी में। तो थोड़ा सा स्ट्रेच करने से क्या होता है बॉडी काफ़ी रिलैक्स फील करती है। सो 5-10 मिनट आपने थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच आउट किया, थोड़ा अपना लिम्फेटिक सिस्टम चालू किया, अपनी नसों को जगाया और फिर हम जाग गए। फिर जागते ही पहली चीज़ जो मैं पीती हूँ वो मेरी डिटॉक्स ड्रिंक है, जिसमें गुनगुना पानी होगा, हल्दी होगी, दालचीनी का पाउडर होगा और नींबू होगा। कभी कभी मैं हल्का सा रॉक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट भी डाल देती हूँ उसमें। सो ये ड्रिंक जो होती है ये बहुत ही अच्छी ड्रिंक है और इससे आपका एक्चुअली इट्स वेरी गुड फॉर योर लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, लेट मी टेल यू। सो इट्स रियली नाइस। एंड इसके बाद मेरी आँखें खुलती हैं, एक्चुअली में मैं इसके बाद ही जाग रही होती हूँ। सो जब ड्रिंक बन रही होती है तो पीछे से म्यूज़िक चालू करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि अब तो आप सब लोग जान ही गए होंगे थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूँ मैं, तो जो पहली चीज़ मैं सुनती हूँ वो हमेशा या तो भजन होते हैं या कीर्तन होते हैं या सत्संग होते हैं। मतलब इससे मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है बॉडी में, एक अलग तरह का एक विश्वास आता है यूनिवर्स के ऊपर कि हाँ भी कोई है जो हमें होल्ड कर रहा है, हमें सुन रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब so it's really nice to remember someone, anybody whom you believe is above you and whom you think that उनका हाथ है आपके हाथ के आपके सर के ऊपर। सो मॉर्निंग में कृष्णदास के सत्संग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कृष्णदास जी के सत्संग मैं देखती हूँ और सुनती हूँ। सो जब तक वो ड्रिंक बन रही होती है तब तक सत्संग चल रहे होते हैं साइड बाय साइड और बॉडी वैसे भी पूरी बॉडी खुल जाती है, कहने का मतलब है कि आपने कान भी खोल दिए। सो जब ड्रिंक व्रिंक पी लिया उसके बाद हम लोगों को ऑफिस जाना पड़ता है और कुछ रूटीन्स होते हैं हमारे, वो करने होते हैं। वो सारे रूटीन ख़त्म करने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद फिर हम लोग वापस अपने कमरे में आते हैं एंड उसके बाद फिर शुरू होता है मेन मेरा पूरा रूटीन का, जो कहते हैं नंबर वन GoPro इज मेडिटेशन, विच आई डू फॉर मोर देन लाइक 15-20 मिनट्स। एंड ये सब करने के बाद फिर मैं एक अलग ही जोन में चली जाती हूँ, बहुत ही पॉजिटिव फील करती हूँ और ऐसा लगता है कि येस आई एम रेडी फॉर द डे एंड द डे इज़ रेडी फॉर मी, समथिंग लाइक दैट, यू नो। बिकॉज एवरी डे बिकॉज मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, बिकॉज हम तो सेल्फ मोटिवेशन के दम पे जी रहे हैं और सेल्फ मोटिवेशन तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, कोई है नहीं आसपास बताने के लिए कि ऐसे करना है वैसे करना है, या हम किसी को देख भी नहीं रहे हैं कि हम उनसे मोटिवेट हो जाएं। जिनको भी देख रहे हैं और हल्का फुल्का मोटिवेट हो रहे हैं वो डिजिटली देख पा रहे हैं, ऑनलाइन देख पा रहे हैं और हम ही लोग हैं, अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। सो उसके लिए डेली आपको अपने अंदर ऐसे थॉट्स डालने पड़ते हैं जिसके थ्रू आप हर दिन एक मोटिवेशन लेवल आपका मेंटेन रहे और आप चलते रहें। कंसिस्टेंसी आएगी नहीं अगर सेल्फ मोटिवेशन आएगा नहीं तो, बिकॉज आप हमेशा ही दूसरों पर डिपेंड नहीं हो सकते कि कोई आएगा और आपको मोटिवेट करेगा तभी आप वो काम करेंगे। तो एक चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सीखी है वो सेल्फ मोटिवेशन है, और सेल्फ मोटिवेशन अगर आपको आता है और आपने करना सीख लिया है तो फिर तो मतलब कोई रोक ही नहीं सकता है आपको। सो दिस रूटीन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज ये मेरे लिए सेल्फ मोटिवेशन बढ़ाने का एक तरीका है। सो इसके थ्रू मैंने पूरा सीखा कि सेल्फ मोटिवेशन मुझे कैसे करना है अपनी लाइफ में, और ये जो रूटीन है ये पता नहीं मैं कब 7-8 साल तो हो ही गए मेरे ख्याल से इसको करते करते। अभी आफ्टर दिस अब हम कुछ भूख लगने लगती है बिकॉज इतना सब कुछ मॉर्निंग में उठते देखो कितना कुछ कर लिया है ऑलरेडी, अभी 6:30-7 बज गया होगा सुबह का और बहुत कुछ एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है जीवन में। सो भूख लगती है तुरंत, तो अभी इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट करना ठीक नहीं है। सो स्मूदी
स्मूदी बनाती हूँ मैं, बहुत ही हैवी स्मूदी होती है मेरी, जिसमें हम खूब सारी सब्जियाँ, पालक, कैरेट, बीटरूट, कुछ भी जो सब्जियाँ पड़ी होती हैं फ्रिज में, वो सब कुछ ब्लेंडर में डाला, घुमाया और पी गए पल्प के साथ। जूस नहीं बनाती मैं मॉर्निंग में, रीज़न बीइंग कि मैं चाहती हूँ वो पल्प जो अंदर का स्टफ़ है वो मेरे बॉडी के अंदर जाए। वो इतना हैवी होता है कि करीबन 8:30 बजे तक, जब तक कि ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, तब तक वो हमारी बॉडी को सस्टेन रखता है। और ब्रेकफास्ट के टाइम पर फिर हम लोग ब्रेकफास्ट खाते हैं, और ब्रेकफास्ट अपनी बॉडी के हिसाब से खाती हूँ मैं। अगर मुझे लगता है कि मेरी बॉडी ऑलरेडी, मेरा पेट भरा हुआ बिकॉज मैंने इतनी हैवी स्मूदी ली है, तो मैं इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लूँगी। और मुझे लगता है कि मैं, और अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे आज पता नहीं क्यों ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैं ज़्यादा खाना खा लूँगी। डिपेंड ऑन माई मूड एंड ऑन माई बॉडी, आई ऑलवेज लिसन टू माई बॉडी एंड अपनी बॉडी के हिसाब से ही मैं काम करती हूँ। तो यहाँ ये दो चीज़ें चलती हैं, एक हम अपनी बॉडी के हिसाब से काम करेंगे, दूसरा हम अपनी बॉडी को अपने हिसाब से बनाएंगे। सो ये जो रूटीन होता है ये डुअल वे में चलता है। एक तो आपको उसके हिसाब से भी काम करना है और उसको काम करवाना है आपके अपने हिसाब से। तो जो आप मेडिटेशन करते हैं, आप सत्संग सुन रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, आप ग्राउंडेड हैं, ज़मीन से जुड़े रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो आप ग्राउंडेड फील कर रहे हैं या कुछ भी है, तो ये सब चीज़ें भी आपको हेल्प करती हैं आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देने में कि भाई आपको ऐसे ही फील करना है या आपको ऐसे ही करना है। सो इट्स अ रिलेशन बिटवीन यू एंड योर बॉडी एंड इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। आप उसको कुछ अच्छा दो तो वो आपको कुछ रिटर्न करेगी। सो ब्रेकफास्ट हो गया, सब कुछ हो गया, दिस इज़ माई स्मॉल 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 रूटीन विच आई एम फॉलोइंग फ्रॉम द लास्ट सो मेनी ईयर्स एंड इट इज़ रियली रियली हेल्पफुल फॉर मी। सेल्फ मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं क्या है, कैसे है, ऐसे यही है, इसी की वजह से है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस ब्लॉग। आई विल सी यू नेक्स्ट संडे एंड विद मे बी सम अदर स्टाफ, मे बी समथिंग रिलेटेड टू फिटनेस एंड स्पिरिचुअलिटी एंड लॉट ऑफ स्टाफ, जिसमें मेरे को नॉलेज है और मैं इतने सालों से ट्राइड एंड टेस्टेड किया हुआ है लाइफ में। कुछ भी ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं आती या मुझे बिल्कुल कम नॉलेज है, वो मैं उसका मैं कभी ब्लॉग नहीं बनाने वाली, लेकिन हाँ जो मैंने सालों सालों से किया है और उसने मेरे को बॉडी मुझे बदल दिया एक्चुअली, वो पक्का इन अ गुड वे। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड आई होप दैट यू ऑल आर सेफ एंड इनसाइड योर होम एंड डोंट गेट पैनिक वट एवर इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। जस्ट believe in God, just believe in yourself and the doctors and everybody, nurses, everybody is doing so much for us. Just have that self-motivation in you and I hope ki hum sab is tufaan se bahar nikle as soon as possible. So thank you. अच्छा एक चीज़ और, ऑफिस जाने से पहले मैं पक्का ऐसे गाने सुन के जाती हूँ जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल 200 गुना हो जाना चाहिए, तो इसलिए मैं पंजाबी सॉन्ग्स को इतना ज़्यादा लाइक करती हूँ क्योंकि पंजाबी सॉन्ग्स आर द बेस्ट डूड। मतलब आई मीन इतना एनर्जी, इतना मतलब प्यार, इतना ज़्यादा बीट आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगी। या फिर कोई अच्छे से अपने बॉलीवुड के रॉकिंग नंबर आ जाते हैं या इंग्लिश में अच्छे 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 सॉन्ग्स जो आजकल इतने फेमस चल रहे हैं उनको, मतलब जाने से पहले, बस निकलने से पहले बिल्कुल ही पार्टी वाले और रॉकिंग बिल्कुल ढोल मिक्स टाइप सॉन्ग सुनना बहुत अत्यंत आवश्यक है मेरे लिए। तो बाकी मुझे पता नहीं, मेरा मूड ऐसा कन्वर्ट होता है कि इट्स मिरेकुलस, जादू है जादू।